दोस्तों, इंडिया में बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाने वाला पावरफुल कम्यूटर क्लास बाइक होंडा यूनिकॉर्न को अभी BS4 से BS6 में अपग्रेड किया गया है। और दोस्तों, अभी ये 150 सीसी नहीं बल्कि होंडा यूनिकॉर्न 160 सीसी कहला जाएगा, क्योंकि अभी इसमें हॉर्नेट में यूज किया जाता है जो इंजन 160 सीसी का, उसको लगाया गया है। और दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुआ है जो कि सटल चेंजेस है, और डिज़ाइन में लगभग यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और मैं आप लोगों को इस सारे जानकारी दूंगा और दिखाऊंगा कि ये नया जो होंडा यूनिकॉर्न है ये कितनी हद तक बदल चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। अगर आप पहली बार ये चैनल में हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक कीजिए वीडियो को और बेल आइकन दबा के हमारे सारे लेटेस्ट कंटेंट से सबसे पहले बने रहिए। दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूं ऑटो स्मार्ट हावड़ा कोना में, जिनका शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ जाके गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस और फिनांस स्कीम है वो जान सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करके। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकेंगे कि बेसिक जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ही सेम रखा गया है, लेकिन इसमें बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पहले से अभी लगभग 13 से 14 हज़ार रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस बढ़ चुका है। ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइस मुझे लगा कि थोड़ा ये कुछ ज़्यादा ही है, और थोड़ा सा कम इसका प्राइस इंक्रीज़ होता तो और भी अच्छा होता। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं इंजन के बात कर लेता हूँ। इंजन अभी 150 सीसी से चेंज करके 160 सीसी बना दिया गया है, जो कि हॉर्नेट में लग कर आता है, और ये BS6 हो गया है, यानी कि लेसर पोल्यूशन होगा और ज़्यादा माइलेज आपको मिलेगा। और कार्बोरेटर सेटअप को हटा के बाकी दूसरे बाइक्स स्कूटर्स की तरह इसमें भी फुल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी डाल दिया गया है। आप देख सकेंगे पेट्रोल ऑन ऑफ की कोई भी यहाँ पे नॉब नहीं है, और यहाँ पे PGMFI यानी कि प्रोग्राम्ड फुल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। और इसमें इसके BS6 होने के चलते पावर जो है वो बिल्कुल सेम ही रखा गया है, यानी कि 12.74 BHP आपको मिलेगा एट 7500 RPM, लेकिन टॉर्क अभी 1.2 न्यूटन मीटर्स बढ़ चुका है, यानी कि अभी आपको 12.8 के जगह 14 न्यूटन मीटर्स टॉर्क मिलेगा एट 5500 RPM। और दोस्तों, आप यहां पे देख पाएंगे कि जो कैटलिटिक कन्वर्टर है उसका सेटअप भी लगाया गया है। और अच्छी बात यह है कि इंडियन कम्यूटर्स के बात सोच के इन्होंने किक को पहले जैसा ही रख दिया है और किक को नहीं हटाया है। आप यहां पे देख सकेंगे दोस्तों, ये जो कैटलिटिक कन्वर्टर का जगह आप देख रहे हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर की वायर लगा हुआ है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये BS6 है। इसके अलावा BS6 के जो स्टिकर है वो भी लगाया गया है। दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर बात करें हम इंजन की रिफाइनमेंट की, तो होंडा हमेशा से ही बहुत ही रिफाइंड इंजन बनाता था, लेकिन अभी ये फुल इंजेक्शन होने के लिए और भी ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है, और माइलेज भी आपको थोड़ा यहाँ से ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, एक और बहुत ही बड़ा चेंज ये है कि होंडा के अगेंस्ट सबसे बड़ा जो कंप्लेंट आता था कि वो इंजन किल स्विच नहीं देते, तो होंडा को फाइनली अभी अकल आ गया है इंडियन मार्केट को, वो और भी अच्छी तरह से समझ कर अभी इंजन किल स्विच को यहाँ पर डाल दिया है। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा चेंज है, इसमें इंजन जो मैलफंक्शन लाइट होता है वो मीटर में ऐड किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और FI में कोई भी प्रॉब्लम ये ऐसे ही ब्लिंक करके डिनोट कर देगा। पीछे की जो इंडिकेटर्स है उसको फ्लेक्सिबल बना दिया गया है, जो कि पहले स्टिफ टाइप इंडिकेटर्स हुआ करता था। ये भी एक बहुत ही हैंडी फीचर है इंडियन ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए। दोस्तों, एक और सटल चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पैडिंग दिया गया है विंडशील्ड पर, और ये इससे जो पैडिंग का यहाँ पे आप देख सकेंगे थिक पैडिंग दिया गया है, और पैडिंग के चलते वाइब्रेशन कम होगा आपको विंडशील्ड में जब आप लॉन्ग राइड्स में जाएंगे या फिर ज़्यादा स्पीड्स पे चलाएंगे। तो इसके साथ साथ जो यहाँ पे चेन कवर है उसको मेटल की जगह प्लास्टिक दिया गया है। हालांकि पहले मेटल या प्लास्टिक आता था मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन अभी इसमें प्लास्टिक आता है। इसी के साथ साथ पीछे की जो टायर है दोस्तों, इसे HET टायर कह होंडा केयर है, मतलब लो रोलिंग फ्रिक्शन रेजिस्टेंस टायर, यानी कि कम से कम फ्रिक्शन होगा और बेटर हाई स्पीड परफॉर्मेंस आपको इस टायर से मिलेगा। इसी टेक्नोलॉजी का टायर होंडा इसको क्लेम करता है, और HET BS6 की बैजिंग आपको मिलेगा। और दोस्तों, ये जो सीट है बहुत ही कंफर्टेबल है, और सीट की जो लेंथ है ये 24 mm बढ़ा दिया गया है, यानी कि और भी ज़्यादा पिलियन फ्रेंडली ये बनेगा, राइडर फ्रेंडली बनेगा। और जो लोग फैमिली के लिए लेते हैं, हालांकि हर कोई ये फैमिली राइडिंग के लिए ही लेता है, फैमिली राइडिंग और भी यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ और लगभग कोई भी चेंजेस नहीं है छोटे मोटे चेंजेस के अलावा। हेडलाइट आप देख सकेंगे, हेडलाइट पहले जैसा ही यहाँ पे क्रोम फिनिश्ड हेडलैम्प दिया गया है, बहुत ही अच्छी क्रोम का यहाँ पे गार्निशिंग किया गया है, और ऊपर की तरफ आपको ब्लैक कलर के विंडशील्ड देखने को मिलेगा। और ये जो हेडलाइट है ये फुल्ली यहाँ पे हैलोजन यूनिट दिया गया है। स्विच गियर आप देख सकेंगे, शायद यहाँ पे अपग्रेडेड स्विच गियर अभी आपको मिल जाएगा, शायद पहले ऐसा नहीं मिलता था। बहुत ही अच्छे क्वालिटी का स्विच गियर मिलेगा, और कंफर्टेबल अपलिफ्टेड कम्यूटर पोजिशन वाले हैंडल बार्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। और मीटर कंसोल आप देख सकेंगे, पहले जैसा ही थ्री पॉट एनालॉग
इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है और सामने आप देख सकेंगे हेडलाइट का इल्यूमिनेशन कुछ इस तरह का है और इंडिकेटर्स यहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइप का दिया गया है। मीटर कंसोल आपको दिखा देता हूँ, स्पीडोमीटर है, एक ओडोमीटर, एक ट्रिप मीटर, और लेफ्ट साइड में आपको आरपीएम इंडिकेटर मिलेगा, राइट हैंड साइड पे फुल इंडिकेशन देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ एबीएस इंडिकेटर, इंजन मैलफंक्शन लाइट, हाई बीम, साइड इंडिकेटर्स और न्यूट्रल का भी इंडिकेशन आपको इसमें मिल जाएगा। और दोस्तों यूनिकॉर्न का जो वेट है अभी 5 kg कम हो चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 8 mm बार आगे से पहले से बढ़ चुका है, तो 8 mm अब पहले से ज़्यादा आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, यानी कि 187 mm का अभी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। टैंक आप देख सकेंगे बिग मस्कुलर टैंक है और ये टैंक कैपेसिटी है 13 liters का। होंडा की 3D एम्बलम आपको इसके ऊपर मिलेगा और सीट आप देख सकेंगे दोस्तों 798 mm इसका सीट हाइट है, तो इंडियन हाइट के राइडर्स के लिए लगभग ठीक ठाक एक हाइट हम इसे मान के चल सकते हैं। और पीछे की अगर आप टेल लैम्प क्लस्टर की बात करें तो टेल लैम्प क्लस्टर बिल्कुल ही पहले जैसा ही बल्ब टाइप है और इंडिकेटर्स भी फ्लेक्सिबल क्लियर लेंस टाइप इंडिकेटर्स दिए गए हैं। साइड में आपको मोनो सस्पेंशन की बैजिंग मिलेगा, क्रोम की यहाँ पे कुछ गार्निशिंग डेकोरेशन किया गया है जो कि बहुत ही क्लासी लुक दे देता है, और HD BS6 की बैजिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ अगर बात करें और फीचर्स की, तो 3+3 years यानी कि 3 years का कंपलसरी और 3 years का ऑप्शनल व्हीकल वारंटी आपको इसके ऊपर दिया जाता है, और पहले जैसा इसमें 5-speed गियरबॉक्स आता है और डायमंड फ्रेम पर पूरी बाइक बना हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकेंगे व्हील बेस 1336 mm है जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, और माइलेज अभी लगभग आपको 55 kilometers पर लीटर के आसपास मिलेगा क्योंकि अभी इसमें फुल इंजेक्शन आ चुका है। सामने आपको मिल जाएंगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो कि स्टैंडर्ड इस तरह के बाइक्स में आते हैं, और पीछे की तरफ आपको मोनोशॉक मिलेगा जो कि अराउंड 5 times एडजस्टेबल है। और आप शायद आपको पता है कि यूनिकॉर्न इंडिया का पहला बाइक है जो मोनोशॉक के साथ आया था, इसमें आपको एक फॉग गार्ड भी मिल जाता है धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे दोनों ही तरफ आपको 18-inch के ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलेंगे MRF की तरफ से, और सामने की तरफ आपको 80x100 साइज का टायर देखने को मिलेगा। सिंगल चैनल ABS यूनिट यहाँ पे दिया गया है 240 mm डिस्क ब्रेक के साथ, और आप यहाँ पे देख सकेंगे ब्लैक कलर के ABS के रिंग्स यहाँ पे लगे हुए हैं ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स के साथ, और दोनों ही तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि लेटेस्ट सेफ्टी नॉर्म से इंडिया गवर्नमेंट के, और आप देख सकेंगे टायर कुछ इस तरीके का है, सिंगल चैनल ABS है और सिर्फ ABS फ्रंट टायर फ्रंट ब्रेक पर ऑपरेशनल है। पीछे की तरफ 100x90 साइज का टायर मिलेगा और 130 mm का ड्रम ब्रेक पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप यहां पे कह सकेंगे कि इसमें कोई भी LED लाइट्स नहीं है, ज़्यादा मोटे टायर्स नहीं है और डिजिटल मीटर्स नहीं है, तो मेरा यही मानना है कि बजट सेगमेंट का गाड़ी है, कम्यूटर सेगमेंट का गाड़ी है, और ज़्यादातर ये जो एजेड ऑडियंस है जिनके एज उम्र थोड़े से ज़्यादा है और मैच्योर ऑडियंस है उनके लिए बनाया गया है, कम्यूटर सेगमेंट के लोगों के लिए बनाया गया है, तो मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसीलिए थोड़े से कॉस्ट कटिंग करने के लिए और बजट फ्रेंडली रखने के लिए इन्होंने ऐसी बहुत जो डिज़ाइनर चीज़ें होती है जैसे कि LED लाइट्स, डिजिटल मीटर, ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिया है। तो शायद मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे दिया, और इसी के साथ साथ जो टॉप स्पीड आपको मिलेगा वो अराउंड 115-120 kilometers पर आवर है, और एक्स शोरूम कोलकाता अभी इस बाइक का प्राइस है 95,367 rupees। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर बताइए। होंडा की अगर मेंटेनेंस की बात करें तो बहुत सारी जगहों पर इंडिया के काफ़ी लगभग सारी जगहों पर यूनिकॉर्न जैसी पॉपुलर बाइक का मेंटेनेंस और सर्विस और पार्ट्स आपको देखने को मिल भी जाएगा बहुत ही कम पैसों में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज राइड सेफ।